लाखों रुपए की लूट करने वाले दो सगे भाइयों को जबलपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुरक्षा कर्मी की हत्या करने के बाद लूटे गए रुपयों को भी बरामद कर लिया है। खास बात यह है कि जबलपुर पुलिस ने बड़े एटीएम कैश वैन लूट और हत्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और महज 12 दिनों के भीतर ही इसका खुलासा करते हुए उत्तर प्रदेश निवासी दोनों ही भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने लूटे गए रुपयों को भी बरामद किया है। अंधे हत्याकांड करने के बाद लाखों रुपये लूटे गए, जिसको जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद अपनी टीम के सहारे दोनों ही सगे भाई, जो कि लूट हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिन्होंने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उन सभी अफसरों एवं पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें साइबर सेल, यातायात विभाग, क्राइम ब्रांच सहित पुलिस के अफसर और कर्मचारी शामिल हैं। जी, आज बड़ी गर्व की बात है कि हमारे 150 जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो आज यहाँ सम्मानित हुए, जिन्होंने कि गोरा बाजार की जो संवेदनशील घटना थी, जिसमें कि एक गार्ड की हत्या हो गई थी, दो को घायल किया गया था गोली मार के और 33 लाख रुपए भी लूट के ले गए थे, उसका पर्दाफाश हुआ था। उसमें 150 अधिकारी कर्मचारियों की बहुत अच्छी मेहनत थी, जिनको आज यहाँ पुलिस लाइन परिसर में सम्मानित किया गया, उनको प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी था, बहुत मेहनत। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसमें मेहनत करी, जिस और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पुलिसकर्मी इस चैलेंज को उन्होंने अच्छे से फेस किया। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।